सावनेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अदासा स्थित शमी विघ्नेश गणेश मंदिर प्रातः 4 बजे संस्था के माननीय प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश SB अग्रवाल के हाथों उनके सह परिवार की उपस्थिति और अध्यक्ष व कलमेश्वर तहसील के न्यायाधीश संस्थान के एडवोकेट श्रीकांत पांडे, एडवोकेट शिशिर बनाईत एवं पदाधिकारी आदि की प्रमुख उपस्थिति में श्री गणेश का अभिषेक कर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। अदासा स्थित गणेश मंदिर प्राचीन स्वयंभू मंदिरों में से एक है और पुराणों में मिलने वाले उल्लेख से असुर राज बलि ने इंद्रपद प्राप्ति करने के लालसा में घोर तपस्या कर 100 यज्ञों का संकल्प लिया था। उसी कड़ी में अदासा स्थित 100 यज्ञ पूर्ण होते ही राजा बलि को इंद्रपद प्राप्त होना तय था। यह यज्ञ पूरा न हो इस वास्ता भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर शमी वृक्ष के नीचे स्थित गणेश की घोर आराधना कर शक्ति प्राप्त की और भगवान श्री शमी विघ्नेश के आशीर्वाद से बलि राजा के यज्ञ में पहुंचकर यज्ञ को विनवश कर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि सहजता से इस दान देने हेतु तैयार हो गए। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख उसे पाताल लोक पहुंचाया, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। और इस दिन तिल चतुर्थी होने से यहाँ भव्य मेला लगना प्रारंभ हुआ। तभी से संपूर्ण विदर्भ एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश विदेश से श्रद्धालुओं के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ बड़ी श्रद्धा से पहुंचते हैं। तिल चतुर्थी के अवसर पर पूर्व विधायक सुधाकर कोहले ने सुबह सवेरे पहुंचकर श्री गणेश के दर्शन कर गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री क्षेत्र श्री शमी विघ्नेश ये बहुत ही पुरातन वामन काल अवतार का ये मंदिर है, बहुत ही जागृत है। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जनवरी महीने में संकष्ट चतुर्थी जो आती है, जिसको तिल चतुर्थी कहते हैं, उस दिन यहाँ बहुत बड़े पैमाने में भक्तगण आते हैं, यात्रा भरती है। यहाँ जो जो भी भक्त आएंगे और जो जो मनोकामना यहाँ करेंगे तो उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मुझे श्री शमी विघ्नेश जी का बहुत आशीर्वाद है, जिनके कारण मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ, करते रहूँगा। और शमी विघ्नेश जी जो भी सेवा करने का मुझे मौका देंगे वो मैं आगे करते रहूँगा। और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही जाना ही है। गणपति जी की कृपा सब पे और ऐसी बनी रहेगी। और हमने लिखा था और हमने यहाँ पर हम सब मिलकर और आप लोगों के सहकार्य से काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे पड़ा है। बहुत पुरातन मंदिर है ये और यहाँ पर शमी विघ्नेश्वर गणपति भगवान से आस्था से जो भी हम मनोकामना करते हैं वो अवश्य पूरी होती है और यही विश्वास लोगों में है। और यही कारण है कि सुबह 3 बजे से लोगों का तांता यहाँ पर लग जाता है और लोग इस बड़ी चतुर्थी पे दर्शन करने अवश्य आते हैं। और आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, लोगों में विश्वास है और यहाँ पे पूर्ण होता है। काय झालं की आपला हा जो पहिली गणेश चतुर्थी असते ती चतुर्थी असल्यामुळे, कसं वर्षातली पहिली चतुर्थी असल्यामुळे कमीत कमी इथे 50,000 ते 60,000 लोकांच्या म्हणजे भाविक येण्याची म्हणजे आकांक्षा आहे। त्याच्यामुळे कसं आहे की सकाळपासून इथे जी आरती आहे 6 वाजतापासून आरती सुरू झालेली आहे, ज्यामुळे पोलिसांचा इथे मोठा बंदोबस्त लागलेला आहे। जवळपास नाही म्हटलं तरी इथे 30 पोलीस आपले कर्मचारी आणि 4 अधिकारी लागलेले आहेत आणि सगळे पॉईंट नेमलेले आहेत। यात्रा के दौरान अदासा ग्राम में खिलौने, पूजा सामग्री, श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु मीना बाजार और घर घर हार फूलों व अनेक दुकानें सज जाती हैं। इस 3 दिवसीय मेले में विशेष रूप से क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार, मंदिर व्यवस्थापन संस्था सावनेर पुलिस और आध्यात्मिक संस्थाएं अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर खुद को धन्य मानते हैं। मेला क्षेत्र में अनहोनी घटनाओं को टालने हेतु सावनेर पुलिस निरीक्षक मारुति मुल्लुक के मार्गदर्शन में API निशान फूलेकर के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम कर मेले को सफल करने के प्रयास शुरू हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट के जयंत मुलमुले, चंदू लहावर, तरुण ओझा, सतीश कुंदनवार आदि 3 दिवस चलने वाली इस तिल चतुर्थी यात्रा को सफल बनाने हेतु प्रयासरत हैं। NBCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।